जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वही चिर परिचित दोस्त आज एक और नई औषधि को लेकर के आया हूँ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही कारगर और लाभप्रद साबित होने वाली है। जी हाँ, आज की हमारी औषधि है दोस्तों चिरौंजी। आइए आज हम जानते हैं चिरौंजी के मेवे के फायदे। चिरौंजी के बीजों में अपेक्षाकृत कैलोरी कम पाई जाती है, पर प्रोटीन और वसा इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। इनमें फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त इसके विटामिन जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू आदि की मात्रा अच्छी होती है। इसके साथ साथ खनिज जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस और लोहे की भी इन बीजों में उच्च मात्रा पाई जाती है दोस्तों। चिरौंजी मेवे के रूप में एक टॉनिक है। यह मधुर, बलवर्धक, वीर्यवर्धक, वात और पित्त को कम करने वाला, दिल के लिए अच्छी औषधि है दोस्तों। इसका औषधीय प्रयोग सांस की समस्याओं के उपचार में भी किया जाता है। यह छाती की जकड़न में राहत देता है। चिरौंजी पित्त कफ तथा रक्त विकार नाशक है। जी हाँ, आपके अगर ब्लड में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर करता है चिरौंजी। चिरौंजी भारी चिकनी, दस्तावर, जलन, बुखार और अधिक प्यास लगने की समस्या को भी दूर करता है। चिरौंजी को खाने से शरीर में गर्मी कम होती है और ठंडक मिलती है। इसके 10 से 20 ग्राम दाने चबाने से शीत पित्त या छपाकी में राहत मिलती है। चिरौंजी का तेल। चिरौंजी बीज में करीब 50% से अधिक ऑयल होता है, जो कि चिरौंजी के तेल के रूप में जाना जाता है। चिरौंजी का तेल प्रजनन प्रणाली से संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए एक कारगर उपाय है। यह कामोद्दीपक है और इसीलिए इसका उपयोग नपुंसकता को दूर करने में किया जाता है दोस्तों। यह यौन शक्ति को, यौन क्षमता को बढ़ाता है। चिरौंजी का तेल दर्द, खुजली तथा अन्य त्वचा संबंधित बीमारियों में काम आता है। घरेलू उपचार। फेस पैक। जी हाँ, अगर आप त्वचा की चमक, दाग धब्बा हटाना चाहते हैं तो चिरौंजी को फेस पैक के रूप में यूज कीजिए। कैसे? ये आपकी त्वचा को नरम, चिकना और सुंदर बना देगा। बनाने के लिए चिरौंजी को सील पर कुछ गुलाब जल डालकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर तब तक लगाए रखें जब तक ये सूख न जाए। जब सूख जाए तो हल्के गुनगुने पानी से इसे आसानी से धो लें। एक सप्ताह में इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। एक सप्ताह तक लगातार अगर आप फेस पैक के रूप में इसे यूज करते हैं तो अपने चेहरे पर हुए परिवर्तन को आप खुद महसूस कर सकेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ चिरौंजी गीली, खुजली या खाज में भी काम आता है, क्योंकि ये कड़वा होता है दोस्तों। और खुजली और खाज में चमड़ी से बहुत अधिक जब खुजली होती है, खुजलाए बिना ही रहा नहीं जाता हम लोगों को। अगर हम खुजली ना करें, खुजली हो रही है तो हमसे रहा नहीं जाता है दोस्तों। तो खुजलाने से चमड़ी से पानी सा निकल आता है। इसके लिए 100 ग्राम चिरौंजी को बारीक पीस लें। इसमें 15 ग्राम कच्चा सुहागा मिलाएं और पीस कर एक साथ मिला लें। इसको गुलाब जल डालकर साफ हरल में रगड़ लें और खुजली वाले स्थान पर दिन में 4 बार नियमित लगाएं, आपकी खुजली गायब हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आज की हमारी औषधि रही दोस्तों चिरौंजी, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है दोस्तों। अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक और नए टॉपिक को लेकर के, एक और नई औषधि को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।